थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करेगा रिजल्ट, शाम 4 बजे रिजल्ट होगा जारी। एमपी बीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे 16 लाख स्टूडेंट। और आज का दिन बहुत ही खास उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं के एग्जाम दिए हैं, क्योंकि आज उनका मेहनत का जो परिणाम है वो सामने आ जाएगा। शाम 4 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा और इस रिजल्ट को आप जो आधिकारिक वेबसाइट है एमपीबीएससी की उस पर चेक कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ जाएंगे शाम 4 बजे और 16 लाख स्टूडेंट शामिल थे एग्जाम में, जिनका आज परिणाम आने वाला है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल आज शाम 4 बजे रिजल्ट जारी करेगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज जारी होना है। एमपीबीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह रिजल्ट आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आपका जो रोल नंबर है वो जरूरी है और उसी के माध्यम से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल आज शाम 4 बजे रिजल्ट जारी करेगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। बड़ी खबर भोपाल से, और 16 लाख स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था और आज उनके मेहनत का फल सामने आ जाएगा। शाम 4 बजे होगा रिजल्ट जारी और आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करेगा रिजल्ट। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, तकरीबन 16 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में शामिल हुए थे और आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज का दिन उन सभी 16 लाख स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास है जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं का एग्जाम दिया है और आज उनका रिजल्ट जारी होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 16 लाख बच्चों के लिए आज बेहद खास दिन रहने वाला है, क्योंकि आज जो उन्होंने साल भर पढ़ाई की थी, जो एग्जाम दिया था, उसके नतीजे आने वाले हैं। देखिए, लंबे समय से इंतजार जो है वो स्कूली बच्चे कर रहे थे, क्योंकि देखिए इस बार पूरे लोकसभा के चुनाव होने की वजह से परीक्षाएं भी जल्दी आयोजित करा ली गई थी और कॉपियां जांचने का काम भी जल्दी शुरू किया गया था। अमूमन ये रिजल्ट जो है वो मई के महीने में आता था, लेकिन इस बार रिजल्ट को जल्दी जारी किया जा रहा है क्योंकि जल्दी एग्जाम हुए थे। शाम 4 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ये अपना रिजल्ट जारी करेगा। विभिन्न वेबसाइट जो है वो जारी किए गए हैं, लिंक उनकी जारी की गई है ताकि जो परीक्षार्थी है वो घर बैठकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जिस तरीके से कल 5वीं और 8वीं का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें देखा हमने कि लड़कियों ने बाजी मारी और 90% के आसपास ये जो रिजल्ट है वो रहा, तो उम्मीद पूरी है कि इस बार भी मध्य प्रदेश की जो बच्चियां हैं वो इस बार फिर बाजी मारेंगी। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी नतीजे आते हैं, खासकर 10वीं 12वीं के हो या 5वीं 8वीं के भी कल देखे, तो लड़कियां जो है वो लड़कों से कहीं ज्यादा आगे निकलकर सामने आ रही हैं और रिजल्ट जो है वो दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश का सुधरता भी चला जा रहा है। तो उम्मीद है कि आज जब रिजल्ट आएगा तो मध्य प्रदेश का रिजल्ट जो है पिछली बार से अधिक बेहतर होगा और अधिक से अधिक बच्चे इस परीक्षा में पास होंगे। तो हालांकि बच्चों की जो उत्सुकता है वो लगातार बढ़ी हुई है कि आखिर उनके नतीजे क्या होंगे, लेकिन शाम को 4 बजे जो उनका इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश के 16 लाख बच्चों के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और तमाम जानकारी के लिए। तो आज 16 लाख स्टूडेंट के रिजल्ट सामने आने वाला है शाम 4 बजे। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो वेबसाइट है एमपीबीएससी, इस पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अब बात दूसरे चरण के प्रचार का, आज आखिरी दिन है, शाम से थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर, जहां दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होना है और एमपी में इसमें मध्यप्रदेश की 6 सीटें शामिल होंगी, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं, जहां मतदान होगा 26 अप्रैल को। दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होना है और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है और इनमें कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स भी शामिल हैं। दूसरे चरण का प्रचार का शोर आज शाम से थम जाएगा।
सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही जो प्रत्याशी है वो कर सकते हैं, किसी भी तरीके की रैली जनसभा नहीं होगी। दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम जाएगा और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश साथ ही छत्तीसगढ़ में तमाम दिग्गजों की रैली होगी, मेगा रोड शो होने वाले हैं, जनसभाएं होने वाली हैं और आज शाम के बाद इन सभी चीजों पर पाबंदी होगी। जहां जहां मतदान है इसमें मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं, जहां पर प्रचार का शोर थम जाएगा और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। नेता या प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकते हैं, डोर टू डोर बातचीत कर सकते हैं, वोट के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का प्रचार, 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होना है और उसके लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र और तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं, शाम के बाद से प्रचार का शोर थम जाना है, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है, मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं, कुछ प्रमुख सीटें भी हैं जहां वीआईपी टक्कर होने वाली है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी है। अगर मैं बात करूं तो टीकमगढ़ जो है वो बेहद खास सीट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो है वीरेंद्र खटीक इस सीट से चुनावी मैदान में है। अगर मैं बात करूं तो दमोह सीट भी बेहद खास हो जाती है, इस सीट पर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ते रहे, इस बार राहुल लोधी को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो रीवा भी बेहद खास सीट है, क्योंकि डिप्टी सीएम उस इलाके से आते हैं और जनार्दन मिश्रा जो है वो इस बार एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस से नीलम मिश्रा उस सीट पर चुनावी मैदान में हैं। बात अगर सतना की करें तो 5वीं बार गणेश सिंह जो है वो फिर एक बार चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अपने विधायक सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अगर बात नर्मदापुरम की हो तो पार्टी ने इस बार नए चेहरे को मौका दिया है, दर्शन सिंह चौधरी उस सीट से मैदान में है, क्योंकि जो वहां से सांसद हुआ करते थे राव उदय प्रताप सिंह, उनको पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ाया था और मध्य प्रदेश सरकार में वो स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, तो दर्शन सिंह चौधरी को वहां पर मैदान पर उतारा है। जबकि अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो सीट पर संजय शर्मा जो तेंदुखेड़ा से विधायक रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक है, उनको मैदान में उतारा गया है। तो तमाम जो सीटें हैं वो बेहद खास है। खासकर देखिए, अगर मैं अधिकांश सीटों की बात करूं तो बीजेपी की परंपरागत सीटें ज्यादा है, चाहे वह रीवा की बात हो, सतना की बात हो, नर्मदापुरम हो या फिर दमोह, और इसके अलावा दूसरी अन्य सीटें हैं जो बीजेपी की परंपरागत सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की इन सीटों में कांग्रेस सेंधमारी करने का लगातार जो है प्रयास कर रही है। आज शाम को 6 बजे इन सारी सीटों पर प्रचार थम जाएगा और उसके पहले तमाम दिग्गज जो है वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें भी कुछ दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है, वह सागर और हरदा में सभा करेंगे, उसके अलावा राजधानी भोपाल में भी एक लंबा रोड शो करने वाले हैं। उसकी तैयारियां जो आप इससे समझ सकते हैं कितना भव्य रोड शो होगा, हालांकि 1.5 किलोमीटर का एक रोड शो है लेकिन तैयारियां उसकी पर्याप्त की गई हैं। तो आखिरी दिन भी प्रचार अभियान बहुत तेजी से काम करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो, तमाम जो लोग हैं आज शाम 6 बजे तक अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकने का काम करेंगे। राजधानी भोपाल में शाम को 7 बजे एक बड़ा रोड शो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाना है। तो ये इससे समझा सकता है कि भले ही बीजेपी की परंपरागत सीटें हों ये, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी समय तक बीजेपी इन सीटों पर लगातार प्रचार अभियान जो है वो कर रही है और बड़े दिग्गज नेता इन पर कमान संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल, और बड़े दिग्गज नेता लगातार हर उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जहां पर इलेक्शन है। और अब सीधे रुख करेंगे तनु का, तनु छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख सीटें शामिल हैं जहां पर इलेक्शन होना है और दूसरे चरण के मतदान का प्रचार का शोर आज थमने वाला है। तनु जी बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीटों में, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पे जो है मतदान होना है, और राजनांदगांव और महासमुंद दोनों ही सीट जो है वो हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके साथ ही भाजपा से हम बात करें तो भाजपा ने
पूर्व भाजपा ने सांसद संतोष पांडे पर ही इस बार जो है वो भरोसा जताया था। इसके साथ ही महासमुंद की हम बात करें तो महासमुंद में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है मैदान में है, तो ऐसे में लगातार जो ये मुकाबला है इन दोनों सीटों पर बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि रोजाना जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हम बात करें तो कम से कम 20 गाँवों में रोजाना वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आम जनता तक पहुंचने की कोशिश जो है कर रहे हैं। खासे दोनों ही पार्टियों में खासा चुनाव प्रचार प्रसार है जो वो किया जा रहा है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरगुजा लोकसभा सीट में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज भी चुनावी दौरे पर हैं। लगातार सीएम साया ने भी चुनावी दौरा जो है किया है, तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में पूरी तरह से उतरी हुई है और पूरी ताकत झोंक रही है। और शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा, ऐसे में शाम 6 बजे से पहले दोनों ही पार्टी के तमाम नेता जो है लगातार चुनावी दौरे पर हैं और शाम 6 बजे के बाद कैंडिडेट डोर टू डोर जो है चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और वहीं हम राजनगांव सीट की हम बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री का कहना है कि राजनगांव सीट लगातार जो है भाजपा जीतती आ रही है और राजनगांव सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। हमारी भूपेश बघेल के लिए साख का सवाल भी है। बहुत शुक्रिया आपका तनु शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबिकापुर दौरा आज होने वाला है, जहां अंबिकापुर में चुनावी सभा को पीएम संबोधित करेंगे। सुबह 10:25 पर अंबिकापुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, 11:30 अंबिकापुर से रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम साय समेत मंत्री विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना व्यक्त की गई है, उम्मीद जताई जा रही है। भव्य तैयारियां कर ली गई है, पूरा जो पंडाल है वो तैयार हो चुका है और आप देखेंगे स्टेज बनकर तैयार है। पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कई रूट्स बंद कर दिए गए हैं और कुछ रास्ते जहां से प्रधानमंत्री को निकलना है वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, यानी कि हर तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफी चुस्त दुरुस्त कर लिए गए हैं। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री का आज दौरा है और यहां पर चुनावी सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि आज जब अंबिकापुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो उनका जोरदार स्वागत होगा। तकरीबन 10:30 के आसपास में अंबिकापुर पहुंच जाएंगे और यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वे निकल जाएंगे, यहां से रवाना हो जाएंगे। चूंकि आज प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है और उसके चलते आज अंबिकापुर का दौरा रहने वाला है, सीएम साहब इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज एमपी में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार होगा, जहां हरदा और सागर में करेंगे जनसभा। दोपहर तकरीबन 3:45 के आसपास सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। शाम 5:15 पर हरदा के अंबा गांव खुर्द में जनसभा होगी, हरदा में करीब 1 घंटे पीएम रहेंगे। शाम को भोपाल में पीएम करेंगे मेगा रोड शो। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज एमपी में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार होगा, हरदा और सागर में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:55 पर सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम और शाम 5:15 पर हरदा के अंबा गांव खुर्द में जनसभा होगी। हरदा में करीब 1 घंटे पीएम रुकेंगे और शाम को भोपाल में पीएम मेगा रोड शो भी करेंगे। और अब खबर भोपाल से, जहां पर आज पीएम का रोड शो होगा। रोड शो को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। पीएम के रोड शो को लेकर पुलिस ने फाइनल रिहर्सल भी कर ली है। मौके पर पहुंचा रोड शो का रथ, रथ में सवार होकर पीएम रोड शो करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो रथ है जिसमें सवार होकर प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं, पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। जिन जिन रास्तों से रथ होकर गुजरना है वहां पर पुलिस चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं कर तैयार है और सुरक्षा के लिहाज से हर तरीके से जो नजर है वो पैनी बना ली गई है। जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और उसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने ही जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट।
सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए, सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक फेमस क्लासिकल डांसर है ये, सवाल यही है। आपको एक तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, जिस तस्वीर को देखकर अगर आप पहचानते हैं कि ये कौन है, एक फेमस क्लासिकल डांसर हैं, जवाब दीजिए कौन है ये, और इसका माध्यम भी है QR कोड स्कैन करिए या फिर आप नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। उमरिया में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। अमरपुर चौकी के सलैया गांव में देर से बारात आने के चलते घरातियों और बारातियों में विवाद हो गया। विवाद के चलते दूल्हा नाराज हो गया और वो बारात लेकर वापस जाने लगा। इस दौरान दूल्हे की गाड़ी की चपेट में आने से उसके बड़े पिता की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बारात बगैर शादी के वापस लौट आई है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो उमरिया का पूरा मामला है, जहां पर एक बारात पहुंची हुई थी और दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, बारात वापस लौट गई और इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दूल्हे के पिता की मौत। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।